लेकिन अगर आपने अपनी मैरिड लाइफ को या अपने बच्चों की लाइफ को अपना पैशन नहीं बनाया ना, दिस इज द बिगेस्ट डिफीट ऑफ योर लाइफ एंड द बिगेस्ट ट्रॉमा वेटिंग फॉर यू। सो अगर हो नहीं सका ना, तो इसके ऊपर हमारे यहाँ स्केप सबसे अच्छा भी मुकद्दर में नहीं लिखा था। हमारे स्केप गोट्स बहुत अच्छे हैं भाई, हमारे तकदीर में नहीं लिखा। हाँ भाई, कि इस मॉडल के अंदर जहाँ पर आप अपनी वाइफ को कॉम्प्रोमाइज करेंगे और उसे सिर्फ 20% तक आपने अपनी साइकोलॉजी का हिस्सा दिया हुआ है, लॉन्ग टर्म के ऊपर जो है ना, आपको ये समझना चाहिए कि जिंदगी के अंदर सबसे ज्यादा जो एनर्जी बूस्टिंग होती है ना इंसानी रिश्तों के अंदर, वो आपकी बीवी से होगी। अगर आपका एक हेल्दी रिलेशनशिप आपकी वाइफ के साथ नहीं है, एक फ्रेंडली रिलेशनशिप आपकी वाइफ के साथ नहीं है, अगर ये रिलेशनशिप में ये चीज नहीं है ना, तो ये आने वाले वक्तों के अंदर ना वो इसके साथ इतनी डिसइंटीग्रेट हो जाएगी कि वो इश्यूज क्रिएट करना शुरू करेगी इसके साथ। अक्सर मर्द इस एरिया में एक साल के बाद शादी के औरतों को अबैंडन कर देते हैं और एक कल्चरल टैबू आ जाता है कि भाई तुसी कार संभालो, असी बार संभालेंगे, आते दुनिया दा है, तू वेख अपने कार, बच्चा हो गया तो उसको उसके साथ लगा देंगे। वो मजबूर हो सकती है, वो चुप हो सकती है, वो दब सकती है, लेकिन वो जो 7 साल बात करेगी ना इसके साथ, वो इसके वहमो गुमान में भी नहीं। फिर ये ठीक भी करना चाहेगा ना, वो ठीक नहीं कर सकता, क्योंकि उसने उसको 10 साल खराब किया। माई फर्स्ट एडवाइस, लिसन टू योर वुमन, स्टॉप गिविंग योर ज्ञान टू हर। अक्सर मशवरे मिलते हैं भाई, यहाँ से सुनो, यहाँ से निकाल दो, ज्यादा मत सुनो। अगर आपने अपने पार्टनर को एग्जॉस्ट किया, उससे फ्रस्ट्रेट किया, उसे कॉम्प्लीमेंट नहीं किया, और आपने अपने करियर को कॉम्प्रोमाइज किया और उसे कॉम्प्लीमेंट नहीं किया, दैट मींस यू स्क्रूड इट अप। कोई स्ट्रेटजी से रिश्ते हैंडल नहीं हो सकते। घर आएगा इस हालत के अंदर कि बीवी के साथ अच्छी बात नहीं कर सकता। घर से जाएगा ऑफिस इस हाल में लड़के के, वहां सबको गला काटने का दिल कर रहा हूं। सिर्फ प्रोफेशनलिज्म से इश्क ना करें, फैमिली, बच्चे, घर, दोस्त यार, सर्कल को माने कि ये असल है जिंदगी। काम धंधा मीडियम है, असल इंसान फैमिली के लिए बना है। तो आप उसी स्ट्रक्चर से निकल के कहीं और सुकून तलाश कर रहे हैं।